फर्स्ट एड कोर्स इन केस ऑफ घर के अंदर कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं, चार चीजों को देखेंगे, बोन फ्रैक्चर, हार्ट बीट का बंद हो जाना, कट लग जाना, दिमाग की चोट, तो कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते हमें देर लग जाती है, उसको हैंडल करने के लिए हमें फर्स्ट एड की जरूरत होती है जो हम घर में दे सकते हैं। वालिद ने जब वजह पूछी उसने बताई, डॉक्टर के पास जब वो पहुंचे तो उसकी डेथ हो गई। जानते हैं क्यों? दो बातें, एक डर, उसके अंदर डर था कि मैंने अपने अब्बू को बताया तो मुझे डांटेंगे, अगर उसके अंदर वो डर ना होता तो आज वो जिंदा होता। दूसरी बात, सर पे लगी हुई चोट, इसमें इस सबसे क्रिटिकल एरिया बॉडी के अंदर सर, सेंसिटिव एरिया है, इसकी जो चोट है वो बहुत खतरनाक चोट है, ब्लीडिंग हो जाए इशू नहीं है, अगर आपको ऐसी चोट लग जाए जिसमें ब्लीडिंग ना हो तो डेथ भी पॉसिबल है। उसने डर की वजह से अपनी जिंदगी खो दी है। बेटी एक बात बताऊंगा आप लोगों को, कभी भी अपने दिल में डर मत रखिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी गलत काम करके अपने पेरेंट्स को बता दें, पहले वो डांटते इसलिए ताकि आप अगली बार वो मिस्टेक ना करें, वो गलती ना करें। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, एक बार याद रखिएगा कि जब आप कोई नॉलेज दे रहे हैं अपना, उसको आपने हैंडल करना है, उसको सुनना है, उसको समझना है। इस ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, सबसे पहले मैं फर्स्ट एड क्लास देता हूँ, बाकी क्लास की बात की है, ये क्लास हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है इस दौरान आप मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं छोटे कट से, घरों के अंदर, स्कूल के अंदर भागते दौड़ते हमें छोटे कट लग जाते हैं, हम छोटे कट्स को कैसे डील करते हैं? ब्लीडिंग हो रही है, हल्का सा कट लग गया छुरी से, ब्लेड का छुरी से लग जाता है, कैसे हैंडल करेंगे उस पेशेंट को, तू जानता है? एनीवन? क्यों? छोटे कट को हमेशा सबसे पहले साफ किया जाता है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके ऊपर कपड़ा रख के ब्लीडिंग को रोका जाता है, उसको साफ किया जाता है। उसको रोकने का, उसको साफ करने का तरीका, आपके घर में फर्स्ट एड किट का होना बहुत जरूरी है, ऐसे खाना खाना बहुत जरूरी है, ऐसे फर्स्ट एड किट का घर में होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो छोटे कट्स में हम रुई के साथ उस जगह को साफ करते हैं, हमने पहले उस कट को क्लियर करना है कि वो कट छोटा है या बड़ा है। रुई के बाद साफ करने के बाद जब हमें क्लियर हो जाएगा कि वो जख्म क्लियर है, उसके बाद बायोडीन लगाए, उसको ऊपर रख कर और पट्टी कर दे। जस्ट आपकी ये बेसिक है कि तुम तकरीबन हर बच्चे को आना चाहिए, तो क्यों नहीं आप बाहर आए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट हुआ करना है, साफ जब हम कॉटन से साफ करेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि कट बड़ा है या छोटा है। छोटा है, ठीक है, क्लियर हो गया, पट्टी कर, हमने पट्टी कर दी, इसके बाद ये चलने के काबिल है, नो इशू, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर रोड के ऊपर कोई ऐसा होता है उसके लिए हमें इंजेक्शन की जरूरत होती है। घर की बात करूँ, घर के अंदर हमारे छोटे कट लगते हैं, इसके अलावा एक बड़ा कट होता है, इसके अंदर फुहारे की तरह खून बह रहा होता है, स्टिचेस की जरूरत पड़ती है, इनको टांके कहते हैं। तो बड़े कट को कैसे हैंडल किया जाता है? तो बड़े कट को हैंडल करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एड किट में पहले तो मोटी पट्टियां या मोटे कपड़े पड़े होने चाहिए, हमें उसको दबाकर खून को रोका जाता है, बाजू पे किसी भी जगह है उसको थोड़ा सा प्रेस किया जाता है ताकि आपका खून रुक जाए, पट्टी आपकी खून से भर गई, दूसरी पट्टी को यूज करें, क्योंकि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले पहले हमने अपने ब्लड को रोकना है, वो कीमती चीज है ये ब्लड, तो
तो जब ब्लड रुक जाए, आपको लग जाए कि ब्लड रुक चुका है, उसी तरह पट्टी को रखें और उसको आपने हैंडल नहीं करना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो है जो आपने करनी है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में आपने उसको साफ नहीं करना, क्योंकि वो कट बड़ा है आपके हाथ दबाने से। आपने उस जगह को साफ नहीं करना, हमने प्रायोरिटी पे उसको ब्लड को रोकना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर ये प्लेटलेट्स व्हाइट ब्लड होता है, इसका काम होता है जब खून निकल रहा होता है तो उसको मुंजमित कर देना, रोक देना, फ्रीज कर देना। सेकंड जो हमारा जो बड़ा कट है जिसमें तेज खून निकलता है, सबसे पहले हम उसको बड़ी किसी गर्म पट्टी या मोटी पट्टी के साथ या मोटे कपड़े के साथ दबा के रोकते हैं। रोकने के बाद आपने वहीं पे उसको बैंडेज कर दिया। अब आपके घर में जो पेशेंट है या कोई भी है, आप उसको हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं। आपने ब्लड रोक लिया, ये फर्स्ट एड है, बेसिक फर्स्ट एड है, आपने हैंडल कर लिया। हॉस्पिटल में जाना क्यों जरूरी है या डॉक्टर के पास? बेटे अगर बड़ा कट है, स्टिचेस की जरूरत है तो आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यस। जो बड़ी चोट है या बड़ा कट है उसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसको डॉक्टर नहीं करना। तो हमें बेसिक उसका जो रोकना है वो ब्लड रोकना है। दो तरह की चोटें हैं, छोटी जिसको हम घर में हैंडल कर सकते हैं और एक बड़ी। पशु टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है हड्डी बेटे। कैसे हैंडल करते हैं उसको? रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं, उठाते हैं इसको चलाएं जी। ऐसा नहीं करना बेटे। ऐसे एक जिसकी बोन फ्रैक्चर हुई हो, किसी की हड्डी टूटी हो, हम उसको ऐसे हैंडल नहीं करते हैं। हम जुल्म कर रहे हैं, उसका बाजू लटक रहा है, उसकी टांग लटक रही है, उठाएं जी इसको चलाएं। सबसे पहले अगर बोन फ्रैक्चर या आपकी बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, उसको सेव करते हैं हम लोग। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हम उसको सेव करते हैं। बाजू को लेते हैं, नजर आ रहे हैं सबको? बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, घर में फट्टी होती है, गत्ता होता है, हम इसको इसमें पैक कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब ये इसकी जो बात है कि पैक हो चुका है, मूवमेंट्स बंद हो चुकी है। मूवमेंट्स को क्यों रोका जाता है जानते हैं आप लोग? अगर हाथ की हड्डी टूट गई है, मूवमेंट्स हाथ के मूवमेंट्स को क्यों रोका जाता है, क्यों सेफ किया जाता है? हाँ, ताकि आपकी हड्डी जगह से हिले नहीं, वो एक जगह पे सेफ हो जाए। सेफ होने से हो सकता है आपको ऑपरेट ना करना पड़े, जस्ट फ्रैक्चर है, हड्डी अपनी जगह पे है, बैंडेज करके आपको बेड रेस्ट मिल जाए। लेकिन आप उसको ज्यादा मूव करेंगे तो हो सकता है वो हड्डी अपनी जगह से हिल जाए और ऑपरेट करने तक बात चली जाए। अब जहाँ मर्जी लेते हैं इस बच्चे को, जिस मर्जी हॉस्पिटल में ले जाए, आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर टांग पे लग गए, इसी पोजीशन में आपने इसको, बेशक आप इसको पट्टी लपेट सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये गिर जाएगा, ये है इसके गरीब गिर, आप हल्की सी वो टाइट नहीं पेन होगा, हल्की सी पट्टी लपेट सकते हैं। यही प्रोसीजर आपने टांग में करना है बेटे, लेट जाए। इसी तरह इसको टांग भी इसी तरह पैक करनी है ये। अब आपकी इसके अंदर टांग सेफ है, इसके गिर पट्टी लपेटते हैं, फटियां भी यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो गत्ते से हम किसी भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये खड़ी है बेटे, ये सेकेंड चीज है फर्स्ट एड के हवाले से। थर्ड चीज बेटे, लेट जाए, आपको लेटना पड़ेगा बार बार। घर में कोई बेहोश हो जाता है, कैसे पता चले कि क्या हुआ है?
बेहोश पड़ा है, बेटे साइड साइड करवट साइड बदल दे, थोड़ा सा साइड बदल दे, घर में पेशेंट बेहोश पड़ा है इसका, कैसे चेक करेंगे इसको क्या है, क्या हुआ है, हैंडल कर सकते हैं कोई इस पेशेंट को? क्यों व्हाई क्यों नहीं पता? बेटे डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो सबसे पहले वो पल्स चेक करता है, आपकी पल्स थम है, इसके साथ यहाँ पे हाथ में दो उंगलियों से पल्स चेक करता है, पल्स की पल्स होती है दिल की हार्ट बीट जो धड़कना होता है उसको पल्स कहते हैं, वो यहाँ पे आपको महसूस होती है। अक्सर लोग, कल एक टीचर ने मेरे पे क्वेश्चन किया है, सर वो एक वहाँ पे हमारे घर में औरतें हैं वो आती हैं यहाँ पे हाथ रखती हैं, कहती हैं आपका ब्लड प्रेशर तेज है, मैंने कहा प्रेशर का इससे क्या ताल्लुक है, पल्स दिल का धड़कना, प्रेशर पानी के प्रेशर को कहते हैं, उनके प्रेशर को कहते हैं, वो अलग चीज़ है। कहने की नहीं जी वो तो आती है यहाँ पे हाथ रखती है तो उसके बाद, मैंने कहा एक बच्ची को ले आए अब दौड़ाएं वहां से दौड़ के यहाँ तक आएगा, आप हाथ रखिए चेक करें उसकी पल्स की तार तेज हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो बेटे एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि पल्स अलग चीज है, ब्लड प्रेशर अलग चीज है, सॉरी ब्लड प्रेशर हम नहीं चेक सकते, चेक कर सकते विदाउट इक्विपमेंट, पल्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट को सीधा लेटाना है, पेशेंट लेट गया, इसके हाथ को रखा और यहाँ पे वन मिनट, एक मिनट में 80 टाइम अप्रॉक्सीमेटली 80, 85, 90 इसमें वेरिएशन आती रहती है, अब ये ना कहें कि बस 80 टाइम है तो 81 हो गया वो बेबी के मेरा दिल की धड़कन बहुत, इसमें वेरिएशन आती रहती है, ठीक है, आप दौड़ेंगे तो थोड़ा सा तेज रहेगी दिल की धड़कन, 85, 90 में भी चली जाएगी, कम भी हो जाएगी, इसमें नहीं, ये बेसिक है कि अगर इसकी पल्स चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है, इसके साथ कुछ सीरियस इशू नहीं है, लेकिन अगर इन केस इसकी पल्स नहीं चल रही, रुक गई है, डेड हो गई है, आपका दिल डेड हो गया है, आपका दिल डेड हो गया, आपको सांस नहीं आएगा, आपका सांस खत्म, दिमाग के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अंदर बॉडी के अंदर चीज़ है वो आपका दिल है, उसके धड़क वो अगर धड़कना बंद हो चुका है, दिमाग कम्युनिकेट करता है, दिल का धड़कना बंद हो चुका है, तो आप लिख के उसमें भी हम दिल के धड़क, दिमाग के डेड होने के बाद पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल की हार्ट बीट बंद होने के बाद अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें उस पेशेंट को हम बचा सकते हैं। रात सोए नहीं, कार्टून देखते रहे हो, तो बेटे इसमें हम कैसे हैंडल करते हैं, आपकी पल्स ठीक है, समझे कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी पल्स बंद है, पेशेंट को सीधा लेटाएं, बिल्कुल सीधा, आपने पंप करना है, थर्टी टाइम पंप करने के बाद दो दफा ब्रीथ करना है मुंह से। बेटे ये बहुत मुश्किल काम है किसी को मुंह से ब्रीथ करना, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए तो आप एक अजीम इंसान है, ये बात समझ रहे हैं, ये मुश्किल प्रोसीजर है लेकिन हमें पता होना चाहिए। 30 टाइम आपने पंप किया, काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 30 टाइम क्लियर हो गया, पास लाएंगे उसके मुंह के करीब लाएंगे और अब उसके अंदर फेफड़ों की तरफ हम अपना सांस ट्रांसफर करेंगे, फिर 30 टाइम ऐसे ही करेंगे, इस प्रोसीजर को हम करेंगे कि मे बी कि हमारे इस प्रोसीजर से किसी की जान बच जाए। इसी दौरान एक छोटा सा वाकया बताता हूँ जो मेरी अपनी लाइफ के साथ गुजरा है।